हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जीसी मैक अर्थात गेट क्लास मैक। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये वेक्टर कैलकुलस है। ये गेट ऑफ पॉइंट व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस का मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसे 2 से 3 मार्क्स का एवरी ईयर, 2 तो फिक्स है 2। कहने का इसका मतलब ये है कि गेट ऑफ पॉइंट व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ग्रेडियंट कवर करेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कर्ल एंड डाइवर्जेंस भी इसमें कवर कर देंगे इसी इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो एक टर्म है, इसको बोलते हैं डेल या नाबला। इसको मतलब अपोजिट ट्रायंगल इस टाइप का इसको दिखाते हैं। देखो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, बस बहुत सिंपल है ज़्यादा, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल ओ आई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ये आपका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। और वेक्टर कैलकुलस के लगभग प्रॉब्लम में ये यूज़ होता है, तो मीन्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टार लगा लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, नाबला या डेल बोलते हैं इसको। इसको नोटिफाई करते हैं अपोजिट ट्रायंगल से। चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम देखते हैं, उससे आपको उसमें प्रॉब्लम से ही के साथ आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आज का मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है ये, सिविल इंजीनियरिंग में गेट 2009 में 1 मार्क्स का आया हुआ। तो चलिए इस फ्रेंड प्रॉब्लम को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा कंसेप्ट वाइज इसको देखते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम पढ़ते हैं। फॉर ए स्केलर फंक्शन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 2z² द ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इतना इस। इसमें क्या फाइंड करना है, अपने को ग्रेड फाइंड करना है। देखो इसमें ग्रेडियंट का प्लस अपना सिंपल फार्मूला हो जाता है, ग्रेडियंट इक्वल टू डेल अपॉन जो डेल इनटू फंक्शन, ये हो जाता है उसका फार्मूला। तो अपना इसी को फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स या एफ आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ जे प्लस डेल अपॉन डेल के एफ डेल अपॉन डेल जेड इंटू एफ के। मतलब वहाँ मीन्स कहने का मतलब वहाँ फंक्शन आ जाएगा, डेल की जगह साथ में क्या होगा, फंक्शन आ जाएगा, उसको उसका फंक्शन का डिफरेंशिएट हो जाएगा एफ से का। तो इसको अपना फॉर्मूला में आप अप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, अपना ग्रेडियंट को स्मॉल में ग्रेड भी ले सकते हैं। ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करो जितना भी है, ये एक्स स्क्वायर है तो मतलब 2x, दूसरा वाई फंक्शन को तो 0 हो जाएगा 2z², ये भी 0 हो जाएगा 2x आई प्लस, फिर देखो पूरे फंक्शन को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा पहले वाले में देखो, पहला तो एक्स स्क्वायर है 0 हो जाएगा, दूसरा 6y जे जेड है वो भी कॉन्स्टेंट, उसका भी 0 हो जाएगा, तो ये इतना ही हो जाएगा। फिर एफ फंक्शन को क्या करो, जेड से डिफ्रेंशिएट करो, तो सिर्फ ये तो पहला वाले एक्स है दूसरे में वाई, ये दोनों तो 0 हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा 2 2 4z k। अपना ग्रेडियंट किस पॉइंट पे निकालना है, अपना ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे। तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, तो एक्स का वैल्यू 1 है 2, ये सब पुट कर दो इसमें, एक्स का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 2i प्लस वाई का वैल्यू क्या है 2 है, तो 6 2 12 जे और जेड का है -4k, ये हो गया आपका ग्रेडियंट। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है अपना, 2i प्लस 12j माइनस 4k ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी।
इसमें हम सेकंड प्रॉब्लम ये है, आज का सेकंड प्रॉब्लम है ये, इसे डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव से है इसका। देखो ये प्रॉब्लम है, ये गेट 2006 में सिविल इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स का आया हुआ है। देखते हैं और पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन 2x² + 3y² + z² एट द पॉइंट 2, 1, 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर। देखो कभी भी आप प्रॉब्लम जब आपको मिल जाए इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी दिया रहेगा फंक्शन उसका पहले क्या करेंगे आप ग्रेड निकाल लेंगे, उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ जो दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इसका आप क्या करेंगे यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। इतना करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसका क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर ही निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर का ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उससे देख के आप समझ सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो हो गया आई, ये हो गया आई माइनस 2k अपॉन रूट अंडर 1 + 4। इसको आगे आप बढ़ा के यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया आई माइनस 2k अपॉन रूट 5। ये तो हो गया आपका यूनिट वेक्टर ए का, जो जिसमें मतलब जिसके इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जो जिस इन जिसके भी बोले कि इन द डायरेक्शन उसका करें, सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। इस प्रॉब्लम जब भी ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रोसीड्यूर फॉलो करें, आप मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में प्रॉब्लम को यूँ सॉल्व करके रख देंगे। उसके बाद जो शुरू में डायरेक्शन तो फंक्शन दिया रहेगा उसका आप क्या करेंगे ग्रेड निकालेंगे। क्या फंक्शन दिया हुआ है अपना, उसका ग्रेड निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ग्रेड निकाल लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम अपने ग्रेड का ही था, तो ग्रेड डेल अपॉन एफ, क्योंकि देखो क्या था, डेल अपॉन डेल एक्स एफ फंक्शन, फंक्शन में देखो 2x² + 3y क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, एक बार लिख देते हैं पहले, चलो डेल अपॉन डेल एक्स एफ आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड फंक्शन के हो गया। ये हो गया आपका ग्रेड इसका। उसके बाद फिर डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे आप, जैसे इस फंक्शन में क्या कहते हैं, सबसे पहले 2x² x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो पूरे फंक्शन को, तो जब तो 2x² है तो ये हो जाएगा 4x। उसके बाद फिर आगे भी देख लेते हैं, इसमें y है तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये z है तो ये 0 हो जाएगा 4xi। अब देखो अब y के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, y के साथ देखो पहले x है तो ये 0 हो गया, फिर y मतलब 6y j, क्योंकि फिर z है, z का भी कांस्टेंट ये भी 0 हो जाएगा। फिर z के रिस्पेक्ट में देखते हैं, z के रिस्पेक्ट में पहले 2x² है, 2x² है, फिर 3y² है, ये दोनों 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2z। उसके बाद आपका जो पॉइंट दिया है ये पॉइंट 2, 1, 3, उसके बाद 2 है एक्स, 1 है वाई, 3 है जेड, तो वैल्यू पुट कर दें, एक्स की जगह क्या है 2, 4, 2, 8i प्लस वाई कितना है 6j प्लस जेड कितना है, जेड यहाँ के भी होगा, जेड है 3, 3, 2, 6k। ये हो गया आपका ग्रेड। उसके बाद इसमें क्या करना है, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है उसका, जो ग्रेडियंट निकाले इसका ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब उस पॉइंट पे जो भी आप ग्रेडियंट मान निकाले उसको आपको भी वेक्टर मान लो, वेक्टर मानने के बाद वेक्टर इनटू इन द डायरेक्शन ऑफ जो वेक्टर था उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो उसको पी मान लिए थे, वो अपना पी कितना आया था, इसको यहाँ बराबर इसको यहाँ ले लेते हैं, उतना वहाँ नहीं आएगा, इक्वल टू देखो पी अपना कितना आया था 8i + 6j + 6k, तो इनका डॉट क्या हो जाएगा 5 - 2k, वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर ये आया था 5, नहीं सॉरी ये i है, ये
उसके बाद क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। इसका आप डॉट प्रोडक्ट जानते हो, आई इंटू आई क्या होता है वन, तो एट इंटू आई सिर्फ उसी सब के साथ, ये एट हो गया, जे तो है ही नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद के साथ सिक्स टू जा ट्वेल्व के रूट अंडर फिफ्टी, सॉरी रूट अंडर फाइव, तो माइनस फोर अपॉन रूट अंडर फाइव, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन ऑप्शन में क्या है, ये डेसिमल में आंसर है, तो क्या करें इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस वन पॉइंट सेवन एट नाइन। अब आपका ऑप्शन के माइनस वन पॉइंट सेवन एट ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।